नमस्कार, टीवी इंडिया 18 में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम टीवी इंडिया 18 में दिखाते हैं आपको हर क्षेत्र, हर राज्य की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हमारे टीवी इंडिया 18 की खबरों को इसी तरह लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों से। राशन डीलरों की मनमानी से उपभोक्ता परेशान। शासन प्रशासन और अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बावजूद राशन डीलरों की मनमानी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राशन डीलर गरीबों को मिलने वाला राशन खुद खा रहे हैं। माता ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कोटा डीलर पर नियमों की अनदेखी और समय पर राशन न वितरित करने का आरोप लगाया और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजा है। असलदा विकासखंड की ग्राम पंचायत पाता में सरकारी सस्ते के गल्ले की दो दुकान है। पहली दुकान ओम प्रकाश और दूसरी दुकान सुमन लता के नाम पर है। ग्रामीणों ने छोटे लाल राजपाल सिंह, गंभीर सिंह, ब्रिज कुमार, शिव कुमार, प्रकाश, पूजा देवी, बुद्धवती, जगरानी, छुन्नी देवी सहित दर्जनों ग्रामीणों ने राशन डीलर पर आरोप लगाया कि दोनों ही राशन डीलर अपनी मनमानी करते हैं। जिसको 20 किलो राशन मिलना चाहिए उसको 15 किलो देते हैं, किसी को तो वापस ही लौटा देते हैं। राशन बांटने की कोई भी एक डेट निश्चित नहीं है तथा शासन के द्वारा फ्री राशन बांटा जाता है लेकिन पाता में नहीं बांटा जा रहा। अगर कोई भी डीलर की शिकायत करता है तो डीलर उसके साथ में अभद्रता करता है और साथ ही मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।